अस्सलामुअलैकुम। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे सैमजू वाटर पार्क और हम इस वक्त इंशाल्लाह आपको आगे भी विजिट कराएंगे। आपको मैं इसका व्यू भी दिखाता हूँ कि इसका व्यू कैसे है। ये इलाका अगर देखा जाए तो काफ़ी साइड एरिया में हमारी गाड़ी है जितनी इसका फ्रंट है सैमजू वाटर पार्क। इसका ये फ्रंट मेन एंट्री गेट है जहाँ से एंट्री होती है और बस यहाँ से फिर इंशाल्लाह हम अंदर चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वाटर पार्क अंदर से दिखाऊंगा, तो ये वाटर पार्क अंदर से हम आ चुके हैं। ये इसका मेन जो है वो फ्रंट है और ये देखें ये हमारे सारे जितने फ्रेंड्स हैं ये सब अंदर आना शुरू हो गए हैं। इसी तरह मैं आपको आगे पूरा विजिट कराऊंगा कि ये देखें आप जिस तरह ये पूरा रास्ता चल रहा है। ओके, फिर आगे इंशाल्लाह मिलते हैं। दूसरा ये कि आप ये जिस बड़े पैमाने पे ये वाटर पार्क बना हुआ है तो इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर होगा कि हमारे रक्षा जा रहा है सामान जिसमें हम लोड करके लेके जाते हैं, क्योंकि इतना वसी पैमाने पे ये बना हुआ है कि मैं नहीं समझता कि आप इतना कोई हैवी सामान जो है वो अपने साथ लेके जा सके। ये इसका फार्म हाउस बना हुआ है, 3 बेडरूम पे है ये, और ये इसका एक छोटा सा एक पार्क दिया हुआ है ताकि लोग यहाँ पे आके अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। यहाँ पे इनका ये पार्क एंड होता है, बाकी ये इनका एक जू है जहाँ पे ये शेर वगैरह और बाकी मुख्तलिफ जानवर वगैरह होते हैं। ये सारे जो है वो आप देखें कि हमारे जितने भी हैं, ये हमारे जावेद भाई जा रहे हैं, बड़े मसरूफ लग रहे हैं। जावेद भाई सर, कैसा आपको फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत थोड़ा सा मौसम गर्म है, लेकिन जब आप पानी में जाएंगे तो इंशाल्लाह आप कवर कर जाएंगे। जी जी, मौसम गर्म है। यहाँ का जो है वो एक जंगला है जिसमें शेर आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग भी यहाँ पे बड़े मसरूफ़ हैं शेर देखने में। और ये आप देख सकते हैं कि मैं आपको करीब से दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा जो है ना ये विजिट हो जाएगा, नज़र आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, काफ़ी एक्टिव है ये, ख़तरनाक है, और लेकिन बहरहाल लोग एंजॉय करते हैं। तो हम थोड़ा सा आधा सफ़र तय कर चुके हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये एक आपको बैकग्राउंड में जानवर नज़र आ रहे हो, रीछ है यहाँ पे, और जैसे मैंने आपको पीछे शेर दिखाए थे काफ़ी अच्छे शेर थे वो। और अभी ये सफ़र अभी भी तफील सफ़र है, अभी तो सफ़र अभी चले बड़े हैं। तो ये आप ये देखें कि ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एक इन्होंने एक ऐसी ये बैकग्राउंड के तौर पे दिया हुआ बच्चों के जो है वो ये पूल दिया हुआ ये ताकि वो यहाँ पे अपना एंजॉय कर सकें। और बाकी आप ये बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं मेरे पार्क हैं, काफ़ी बड़ा तबीयत बड़ा पार्क बना हुआ है ये भी। बाकी इंशाल्लाह आपको मज़ीद आगे दिखाते हैं। तो ये पार्क की खसूसियत है, जवान हो या बुढ़ापा हो जैसा भी हो बंदा इंजॉय करता है। ये आप देख सकते हैं इन्होंने झूले दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि बच्चों के हिसाब से बड़े अच्छे झूले हैं। ये देखें आप, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मज़ीद चीज़ें हैं यहाँ पर, और मैं आपको क्या क्या दिखाऊँ बहर अभी जितना हो सकेगा मैं आपको मज़ीद। तो देखें ये एक और जंगला है जिसमें मोर हैं बहुत ही ज़बरदस्त, ये आप ये देखें ये आपको मोर नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। ये देखें सब मसरूफ़ हैं इस अपने अपने पिकनिक को इंजॉय करने के लिए। और एक स्लाइड भी आपको मैं दूर से व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त एक व्यू आएगा आपको। दूर से एक मैं व्यू दिखा रहा हूँ स्लाइड का, अब इंशाल्लाह आगे चलते हैं तो मैं आपको मज़ीद जो है वो देखें। मैं आपको थोड़ा सा ये बाहर से व्यू दिखाऊँ तो ये देखें आप, ये देखें आप जो है एक काफ़ी लोग इंजॉय करते हुए आ रहे हैं। ये स्लाइड है यहाँ की, और ये देखें ये जैसे कि अभी स्लाइड करता हुआ ये शख्स ये गया, देखें आप बहुत ही हसीन अच्छा माहौल खूबसूरत है। पूल ये स्लाइड बनी हुई है, एक साइड ये है जो आप देख रहे हैं और एक साइड ये है जो आपको फ्रंट में आएगी। मेरे पास दीवार की बाउंड्री आई इसे आपको शायद सही नजर ना है, वो एक फैमिली की साइड है और एक इसकी बैक साइड पे और बना हुआ है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, लेकिन मुश्किल है लेकिन कोशिश करूँगा। लेकिन बार कहने अक्सर यहाँ पर टोटल 3 जो है वो पूल हैं यहाँ पर नहाने के, हर तरह से जो है वो एंजॉय हो रहा है। और ये आपके सामने ऊपर जा रहे हैं, काफ़ी ऊपर है तकरीबन, ये समझिए कि यहाँ से 4th फ्लोर तक का तो रेंज में है ये तकरीबन यहाँ से ऊपर। ये देखें आप, ये आप देखें देख सकते हैं, उड़े गए
सो फिर ये है कि ऐसा है कि आप लोग, मैं समझता हूँ कि जितनी वीडियो मैंने आप लोगों की नहीं कोशिश करी जितनी बना सकता था मैं बनाऊँ, और काफ़ी देर भी हो चुकी है हम लोगों को, सुबह से हम लोग आए हुए, क्योंकि ये जो अब जो ये वाला शूट है ये हमारा शाम का शूट है, क्योंकि अब हम इस जो है वो आपको इसके साथ देखने को मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल यहाँ आए, विज़िट करें, इंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ आएँ। काफ़ी अच्छा माहौल है और बहुत अच्छी जगह है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जैसे अपनी वीडियो से पहले भी जिस जगह जाओ जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पे जाके वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूँ, जैसे कि आज पहले भी बहुत लोकेशन पे मैंने करी है। सो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं बहुत थक चुका हूँ, आपके सामने हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर ज़िंदगी दी फिर हम किसी और लोकेशन पर जाके फिर इंजॉय खुद भी करेगा और आपको भी कराएंगे। और इंशाल्लाह मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।